स्पॉन्सर बाई ऑनलाइन वे सीएससी नरकी। हमारे यहाँ सभी तरह का ऑनलाइन काम किया। नमस्कार, मैं नेहा कुमारी जामताड़ा करमाटंड प्रखंड के अलगुचुआ पंचायत के समीप भारतीय स्टेट बैंक में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, साथ ही यहां पर दो चौकीदार का भी सोशल डिस्टेंस में अहम रोल एवं आज मुख्य तार आलम द्वारा बैंक के पास पानी की व्यवस्था कराई गई ताकि इस गर्मी में किसी को बाहर ना जाना पड़े। सोशल डिस्टेंस नियम का पालन करते हुए बैंक के अधिकारी एवं सभी खाताधारी पूछताछ में पता चला कि मुख्य तार आलम द्वारा यहाँ पर पानी की व्यवस्था किया गया। मुख्य तार आलम ने बताया कि हम लोगों ने यहाँ पर सोशल डिस्टेंस बना के रखा है और बैंक में एक एक करके सभी को भीतर जाने दिया जा रहा है। साथ ही चौकीदार गोवर्धन महतो एवं हेमलाल मुर्मू में भी सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं एवं सभी से सोशल डिस्टेंस का पालन करवा रहे हैं। खाताधारी महिला का खाताधारी बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या होता है कि बूढ़ा बुजुर्ग औरत छोटा छोटा बच्चा गोद में लेके आ जाती है और मैंने देखा कि भाई इस तपिश धूप में पानी का सुविधा बहुत ज़रूरी है और मैंने नल के माध्यम से पानी का सेवा दिया हूँ और एक इंसान का इंसानियत जिंदा रखने के लिए पानी का सेवा बहुत ज़रूरी है और हर एक सक्षम व्यक्ति को एक गरीब मिस्किन को मदद करने का भी बहुत ही नहायती ज़रूरी है, मदद करना चाहिए। कोरोना के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं जनता को? देखिए, कोरोना मैं पहले भी एड में बोल चुका हूँ कि कोरोना बहुत बड़ा महामारी का बीमारी है और ये कोरोना एक तरह का बिजली का करंट की तरह है। ये बीमारी जैसे बिजली का करंट तुरंत प्रवेश कर जाता है, उसी तरह इसका जो बैक्टीरिया है जस्ट सटने से ही प्रभावित कर जाता है, उसका बदन में चल जाता है। इसलिए इस बीमारी से मुक्त होने के लिए, इस बीमारी को लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी इसका पालन करना होगा, परहेज करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को 1 किलोमीटर दूर का डिफरेंस में रहना है और साफ सफाई ज़रूरी है, एक दूसरे से हाथ मिलाना, गले मिलना, ये सब अभी परहेज करना होगा। जैसे लॉकडाउन का पूरा पालन करने के लिए मान के चलिए अभी जैसे आदमी जेल में रहता है उसी तरह अपना घर में रहे, उसी में कल्याण है। कोरोना बीमारी जो है सर, कोरोना एक तरह का मेरे ख्याल से कुदरत का कहर है। इस कहर से बचने के लिए, इससे कल्याण होने के लिए परहेज का बहुत ज़्यादा पाबंदी करना होगा और हमारे जिला प्रशासन और थाना से लेकर थाना जवान तक हमारे यहाँ बहुत चुस्त से निगरानी कर रहे हैं। मैं उनको भी सलाम करता हूँ और पाबंदी सभों को रहने के लिए मैं सभों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सब अपने अपने घर में नियम से ढंग से रहें और हमारे भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी का बात का पालन करें और हमारे राज्य झारखंड राज्य का माननीय श्री हेमंत सोरेन जी का जो निर्देश है उसका पालन करें। बस यही कहना है। जय हिंद, जय।